दोस्तों इस वीडियो में T20 वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप स्टेज के पांचवें और छठे मैच का रिव्यू करेंगे। ग्रुप स्टेज का पांचवा मैच नामीबिया और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया। नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन बनाए। नामीबिया की ओर से जेफ फ्राइलिंक ने एक बार फिर सर्वाधिक 43 रन बनाए। नीदरलैंड्स की ओर से बास डी लीडे ने एक बार फिर सर्वाधिक 2 विकेट लिए। जवाब में नीदरलैंड्स अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ा गई, 92/2 से 102 पर 5 हो गई। लेकिन उसके बास डी लीडे ने एक शॉट थामे रखा और उसने 20वें ओवर में नीदरलैंड्स को 5 विकेट से जीत दिला दी। ऑलराउंडर बास डी लीडे एक बार फिर अपने शानदार ऑलराउंड खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच रहे। ग्रुप स्टेज का छठा मैच श्रीलंका और यूएई के बीच खेला गया। यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंका अच्छी शुरुआत के बाद अचानक लड़खड़ा गई, 92/2 से 120 पर 6 हो गई। यूएई के स्पिनर पी मैयप्पन ने 15वें ओवर में टी20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला हैट्रिक लेते हुए श्रीलंका के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया। श्रीलंका के लिए अच्छी बात रही कि उसके ओपनर पथुमनी श्रीलंका ने एक शॉट थामकर श्रीलंका को किसी तरह 152 तक पहुंचाया। श्रीलंका के लिए दूसरी अच्छी बात ये थी कि यूएई जीत के लिए इतना रन नहीं बना सकती थी, अन्यथा नामीबिया वाली स्टोरी दूर आ सकती थी। यूएई की पूरी टीम 18वें ओवर में 73 पर ढेर हो गई और श्रीलंका ने 79 रनों से मैच जीत लिया। श्रीलंका की ओर से चमीरा और हसरंगा ने 3-3 विकेट लिए। यूएई पर इस जीत के साथ ही श्रीलंका सुपर 12 में लगभग पहुंच चुका है। श्रीलंका के ओपनर पथुमनी श्रीलंका को प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया। ग्रुप स्टेज में आज 7वें मैच में स्कॉटलैंड आयरलैंड और 8वें मैच में वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे भिड़ेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हंसते मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय।